अर्थप्रकाश टीवी की इस खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम हैं ट्राई सिटी का खबरनामा के साथ। ट्राई सिटी का खबरनामा में हम जहां चंडीगढ़ की खबरों और चंडीगढ़ के आसपास की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर भी अगर कुछ महत्वपूर्ण होता है तो उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो शुरुआत आज करते हैं आज की राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण खबर के साथ। काफी समय से किसान आंदोलन चल रहा था, करीब एक साल से भी ज्यादा हो चुका था, और उसके बाद कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानून किसानों के लिए पास किए गए थे उनको वापस लेने का ऐलान किया था। उसके बाद उसको वापस लिए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत होनी थी, पहले कैबिनेट में इस बात की अप्रूवल होनी थी कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, और उसके बाद उनको बाकायदा लोकसभा में और राज्यसभा में भी वापस लिया जाना था। वहां पर उन्हें बाकायदा रद्द किया जाना था क्योंकि इन तीनों कानूनों को संसद ने पास किया था। तो आज बाकायदा ये रद्द करने की, इन कानूनों को, तीनों कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई। संसद में ये तीनों कानून आज रद्द कर दिए गए। हालांकि उतना आसान नहीं रहा जितना समझा जा रहा था। आज भी इसको लेकर खूब हंगामा हुआ। जब ये कानून पारित हुए थे तब भी हंगामा हुआ था और ध्वनिमत से ये कानून पारित हुए थे, और आज भी ध्वनिमत से ही एक तरह से इन कानूनों को रद्द किया गया क्योंकि अपोजिशन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से आज भी जमकर हंगामा किया गया। और इन तीनों बिलों को रद्द करने की जो प्रक्रिया थी उसको लेकर विपक्ष बहस करवाना चाहता था। वो चाहता था कि इसके ऊपर भी चर्चा हो, लेकिन वो चर्चा नहीं हो पाई। हालांकि स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि वो चर्चा करवाने के लिए तैयार थे, लेकिन चूंकि विपक्ष के सदस्य हंगामा कर रहे थे, अनुशासित नहीं हो रहे थे, इस करके चर्चा नहीं हो सकी। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुरुआत होने से पहले, आज का सत्र शुरू होने से पहले ये कहा था कि उनकी सरकार किसी भी तरह की चर्चा करने के लिए तैयार है, इन तीनों बिलों को लेकर किसी भी तरह के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन कुल मिलाकर आज ना तो राज्यसभा में और ना ही लोकसभा में इन बिलों को रद्द करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो पाई। विपक्ष का कहना था कि वो लीगल गारंटी जो कि एमएसपी को लेकर जिसकी मांग किसान कर रहे थे उस पर चर्चा करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि सरकार इस बारे में आश्वासन दे, लीगल गारंटी के लिए अलग से अधिनियम लाया जाए, अलग से बिल लाया जाए। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे के ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं हुई है। हालांकि किसान संगठनों ने स्वागत किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी दोहराया है कि जब तक उनकी बाकी मांगे नहीं मानी जाती वो सड़कों पर जमे रहेंगे, वापस घर नहीं लौटेंगे। और अगर सरकार नहीं मानती है तो 26 जनवरी भी ज्यादा दूर नहीं है। 26 जनवरी को किसान जो है बड़ी संख्या में एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की एक मुख्य खबर जिसका सीधा हम सबसे संबंध है, राष्ट्रीय स्तर की खबर। और अब बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ के जो निवासी हैं और चंडीगढ़ में जो लोग बाहर से पीजीआई में इलाज करवाने के लिए आते हैं, यहाँ सेक्टर 16 में इलाज करवाने के लिए आते हैं, वो इस नाम से भली भांति वाकिफ होंगे। और ये नाम है जगदीशलाल आहूजा का। जगदीशलाल आहूजा का देहांत हो गया है। वो करीब 85 वर्ष के थे, और आपको याद होगा कि पीजीआई के बाहर पिछले 20 साल से एक लंगर चलाया जा रहा है। पीजीआई में जो मरीज आते हैं उनके साथ जो तीमारदार आते हैं उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, कम से कम उनके उनको खाने के बारे में चिंता ना करनी पड़े, उनको दो वक्त की रोटी मिल सके, इसके लिए जगदीशलाल आहूजा ने जनवरी 2000 में लंगर लगाना शुरू किया था। और वो लंगर वो लगातार पिछले करीब 21 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है वो लगातार वो लंगर लगा रहे थे। उसके बाद न सिर्फ उन्होंने पीजीआई में लंगर लगाया, उसके बाद सेक्टर 16 के जनरल हॉस्पिटल में भी और मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 के बाहर भी वो लंगर लगाते रहे। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसके लिए उन्होंने कभी किसी से कोई डोनेशन नहीं ली। उन्होंने अपनी संपत्तियों को बेचकर उन्होंने ये लंगर लगाए और लोगों की सेवा की। जगदीशलाल आहूजा सिर्फ 12 साल की उम्र में पाकिस्तान के शहर पेशावर से उजड़कर भारत आए थे। लंबा समय, काफी समय उन्हें
मानसा रेलवे स्टेशन पर बिताना पड़ा था, कई रात उन्हें भूखे भी सोना पड़ा था। और उसके बाद वो चंडीगढ़ में, तब नया नया जब चंडीगढ़ बस रहा था 1956 के आसपास, वो यहाँ आए और कंसल में उन्होंने केले बेचने का अपना व्यवसाय शुरू किया, रेड़ी लगाना शुरू किया। और उसके बाद उसी व्यवसाय में वो तरक्की करते करते वो चंडीगढ़ के बनाना के सबसे बड़े, केले के सबसे बड़े व्यापारी बने, उनको बनाना किंग ऑफ चंडीगढ़ कहा जाता था। लेकिन उसके बाद उन्हें ये एहसास होने लगा कि जिस तरह से, जिन हालातों के बीच से वो निकल कर आए हैं, न जाने कितने और लोग इन हालातों के बीच में रहते हैं, दो वक्त की रोटी भी उन्हें मुहैया नहीं होती है, खासतौर पर पीजीआई में जो लोग आते हैं इलाज के लिए दूर दूर से आते हैं, जहां एक और उन्हें इलाज के लिए पैसे खर्चने पड़ते हैं, वहीं जो सात लोग आते हैं उनको भी खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। तो इसी सब के बीच उन्होंने साल 2000 में लंगर शुरू किया था, जो लंगर अब तक चलता रहा। जगदीश लाल आहूजा पिछले काफी समय से कैंसर से पीड़ित थे, जिसकी वजह से उनका देहांत हुआ। उनकी सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। तो अर्थप्रकाश टीवी और अखबार की तरफ से हमारी संवेदनाएं हैं जगदीश लाल आहूजा के परिवार के साथ, और उम्मीद करते हैं कि एक शुरुआत जो उन्होंने की थी चंडीगढ़ में परोपकार की, वो शुरुआत जो है वो आगे भी, वो सिलसिला आगे भी चलता रहेगा और जगदीश लाल आहूजा जैसे लोग आगे भी आते रहेंगे और मानवता की सेवा करते रहेंगे। और उसके बाद एक और खबर हम आपको चंडीगढ़ से देना चाहते हैं, और वो है यहाँ के एस्टेट ऑफिस की खबर। एस्टेट ऑफिस में काम करवाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसी भी काम के लिए, आप किसी भी सर्विस के लिए जब एस्टेट ऑफिस में जाते हैं, तो अक्सर एक तो डिलेज होते हैं, देरी होती है, करप्शन का सामना करना पड़ता है, और बिना किसी रिश्वत दिए कोई काम नहीं होते हैं। इस तरह का वहां के बारे में एक छवि जो है उस ऑफिस की बनी हुई है, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि ये छवि बदलेगी, क्योंकि एस्टेट ऑफिस की लगभग सभी सेवाएं जो है वो जनवरी के महीने से डिजिटाइज होने वाली हैं, ऑनलाइन होने वाली हैं। अब आप सभी भुगतान जो है वो ऑनलाइन कर पाएंगे, सभी के सभी सेवाएं आपको ऑनलाइन मिल पाएंगी, और जिसकी वजह से जो डिलेज हुआ करते थे वो अब डिलेज नहीं हुआ करेंगे, और ये ऑफिस जो है वो और ज्यादा जिम्मेवार बनेगा और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनेगा जो लोग वहां पर काम करवाने के लिए आते हैं। तो ये एक मुख्य खबर थी। और नगर निगम की अगर बात करें, तो आज दूसरा दिन था नगर निगम के नामांकन भरने के लिए, चुनावों के लिए, लेकिन अभी चूंकि किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, तो ये काम बहुत धीरे धीरे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि अगले दो या तीन दिन में सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगी, तो आखिरी दो दिनों में खासतौर पर 3 और 4 तारीख को ही ज्यादा नॉमिनेशन पेपर्स भरे जाएंगे। इस बीच में कांग्रेस ने इलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें सुभाष चावला है, पवन बंसल है और बाकी तमाम उनके पदाधिकारी हैं, जो कि फैसला करेंगे कि किसको टिकट मिलना है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बैठकों का सिलसिला भाजपा में भी चल रहा है, लेकिन अभी तक नाम फाइनल नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने कुछ नामों पर जरूर मोहर लगाई है, लेकिन उन्हें भी अभी फिलहाल प्रभारी ही घोषित किया गया है, उम्मीदवार उन्हें घोषित नहीं किया गया है। इस करके अभी फिलहाल नगर निगम के चुनावों को लेकर जो रफ्तार मिलनी चाहिए थी वो रफ्तार अभी तक नहीं मिली है। तो ये थी हमारी कुछ आज की खास खबरें ट्राइसिटी का खबरनामा में। हम रोजाना आपसे मिलेंगे और इसी तरह से कुछ खबरें आपके साथ रोज साझा किया करेंगे। इसके लिए आप हमारे अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ साथ बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।